अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी, गुज़िश्ता वीकेंड पे हमने देखा है कि एक बहुत ही तकलीफ दह खबर, यानी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑफकोर्स लेजेंडरी सिंगर जिनको बुलबुल पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, यानी नैयरा नूर साहिबा इंतकाल कर गई और हमें ना रही। यकीनन उन्होंने अपने पीछे एक बहुत बड़ा असासा पाकिस्तानी मौसीकी का छोड़ा है, चाहे वो हम ठुमरी की बात करें, गजलों की बात करें, मिली नगमों की कनेक्शंस की बात करें। कई जो 80 की दहाई में यकीनन पीटीवी के देखने वाले हैं या वो जो यूथ बेबीज उस वक्त के हैं, वो कहते हैं कि जी बहुत सारे मशहूर सिंगर्स का कलाम याद रखना इनकी वजह से बहुत आसान था। फैज अहमद फैज की बहुत सारे कलाम को अपनी खूबसूरत आवाज में समोया और उसको हमेशा के लिए अमर कर दिया। यकीनन उनका जाना पाकिस्तान की मौसीकी और पाकिस्तान की सकाफत के लिए एक बहुत बड़ा खला है जो यकीनन पुर करना मुमकिन नहीं। उन्हीं के साथ एक पूरा अहद तमाम होता है और उनके ये मशहूर नख्मे हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। इट्स अ डिमीनर। नैयरा आंटी को जब भी आप देखते हैं, एक जमाने में शायद आपको जानकर ये हैरत होगी कि ये मशहूर हो गया था कि शायद नैयरा जी चल नहीं पाती, क्योंकि जब भी हमें उनको देखा ना सिर्फ वो एक धीमी खूबसूरत आवाज की मालिक थी बल्कि बड़ा ही एक सिमटा हुआ उनका डिमीनर था कि यूजली शी वुड बी सिटिंग एंड इन अ वेरी काम एंड कलेक्टेड वे बी सिंगिंग। तो उनकी जो ये सूदिंग इफेक्ट था उनकी आवाज का, ये हमेशा हमें याद रहेगा और हम अल्लाह ताला से उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं और उनकी फैमिली को अल्लाह ताला सब्र जमील अता करें। इसी के साथ जी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान के यकीनन पाकिस्तान का असासा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी आज के कमर्शियल दौर की ये है कि हम बहुत जल्दी लोगों का काम भूल जाते हैं और इस तेज रफ्तार जिंदगी में आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। आज हम खुसूसन बात करना चाहेंगे वहाब अली बुगटी की। वैसे मुझे अक्सर महसूस होता है कि पाकिस्तान के मौसीकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सिनेरियो हैं, उसमें डिवर्सिटी नहीं है, यानी हमारे दूर दराज इलाकों, छोटे शहरों में जो मौसीकी के शायकीन हैं या फिर अच्छे टैलेंटेड गुलूकार हैं, उनको आगे आने का मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ खुसूसन हम बात कर रहे हैं वहाब अली बुगटी की, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और वो हाल ही में कनायारी का, यानी जो लास्ट सीजन कोक स्टूडियो का गुजरा है, उसमें अपने गाने कनायारी की वजह से मशहूर हुए। लेकिन इस वक्त एक बहुत ही दिलखराश हकीकत यह है, क्योंकि इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान बदहाली का इस वक्त शिकार है और तबाहकारियां वहां पर मचाई हैं मौजूदा स्पेल और बारिशों ने, जिसके डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं वहाब अली बुगटी भी। आइए सबसे पहले इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस कॉन्वर्जेशन को आगे लेके चलते हैं। कोक स्टूडियो में कनायारी गाने से मकबूलियत हासिल करने वाले गुलूकार वहाब अली बुगटी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ट्वीट के मुताबिक गुलूकार वहाब अली बुगटी भी बलूचिस्तान में बारिशों के बाद सैलाबी तबाहकारियों से मुतासिर हो गए। सैलाबी रेले ने इनका कच्ची मट्टी से बना घर भी तबाह कर दिया। वायरल होने वाले ट्वीट में कनायारी गाना गाने वाले गुलूकार वहाब अली बुगटी को भी देखा जा सकता है कि वो बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाबी सूरत हाल के बाइस अपने अहले खाना के हमराह खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी जनाब, ये सूरत हाल है बलूचिस्तान की इस वक्त, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि तकरीबन 250 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग अभी भी इमदाद के मुंतजर हैं। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस इज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। इसमें कोई भी शख्स, यानी एक तो हम जब भी कुदरती आफत की बात करते हैं वो तफरीक नहीं करती अमीर या गरीब में या किसी टैलेंटेड शख्स में या किसी मशहूर शख्स में और एक आम आदमी में। लेकिन यकीनन ये हमारे लिए एक बड़ा दिलखराश मंजर है कि वहां अली बुगटी, जो न सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से, अपनी आवाज की वजह से लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं, लेकिन आज वो खुद इस कुदरती आफत की वजह से बेघर हैं। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि हमने बहुत कोशिश की, उनसे बाकायदा ना राबता हो पा रहा है। इन तस्वीर के अलावा हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हुकाम बाला से हमारी गुजारिश होगी और इसको सोशल मीडिया पर भी जितनी इसके बारे में बात की जा रही है कि जल्द अज जल्द इमदादी कार्रवाई की जाए, पता लगाया जाए कि वहाब अली बुगटी साहब इस वक्त किस हाल में है और किसी तरह उन तक मदद को पहुंचाया जा सके। यकीनन हमारे गुलूकार, हमारे टैलेंटेड लोग, बल्कि हमारा हर शहरी हमारा असासा है एंड वी मस्ट वर्क टूवर्ड्स इट। ये इमदाद की अपील भी है उन तमाम लोगों के लिए जो मुखैयर हैं और मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जी आज की दूसरी बड़ी स्टोरी ये भी है कि वजीर आजम
शहबाज शरीफ दूसरी नेशन वाइड पोलियो मुहिम का भी बाकायदा आगाज कर दिया है और मुल्क भर में ये मुहिम 23 से लेकर 27 अगस्त तक चलाई जाएगी। आज इसका पहला दिन है। यकीनन जिस तरह के आप जानते हैं कि ये मर्ज अभी भी पाकिस्तान के कई इलाकों में सर उठाता है और हमारे बच्चों को मफलूज करने, हमारे मुस्तकबिल को मफलूज करने में इसका एक किरदार रहता है। इसी हवाले से जी ये मुहिम है और हम अक्सर बात करते हैं कि पोलियो वर्कर्स के लिए इस मुहिम को आगे लेकर चलना आसान नहीं है। कई विजुअल्स आप इस वक्त देख सकते हैं, ये तस्वीर हैं जिसके लिए मेहनत की जाती है। अगर मेरी टीम दिखा सके, हर बच्चे का जी हक है एक सेहतमंद मुस्तकबिल और उसके लिए काम किया जा रहा है। ये वाली तस्वीर नहीं, मैंने इनसे कहा था कि विजुअल्स जो पिक्चर्स हैं वो आपको दिखाएं। पिक्चर्स हैं मौजूद, उनको दिखाइए प्लीज। हाँ जी, ये पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि दूर दराज इलाके पाकिस्तान के, खुसूसन जो कॉलोनीज हैं, एवरीबडी इज नॉट द सेम। हम जब भी अपने घर के बच्चों को देखते हैं शायद हम एक अलग नजर से देखते हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आके आपको दिखाते हैं कि पोलियो वर्कर्स की जो एक्चुअल जद्दोजहद होती है वो क्या होती है। वी विल जस्ट बी बैक राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।